ईडी और विवाद के रूप में श्रीमती यशोदा देवी को विवाद बनाया, आज नामांकन हुआ। इस नामांकन के कार्यक्रम में आप लोग सभी लोग ईडी के सभी दल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। मैं अपनी ओर से सभी लोगों का यह आह्वान करता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के रवैये के बारे में गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आया है। जो चार वर्ष जो हम लोगों का बीता है, जो पूरा राज्य के लिए दुर्भाग्य है और पूरा लूट खसूट किस प्रकार गुंडा राज हुआ है, इसको आप लोगों ने देखा है। कोयला चोरी, बालू चोरी, हर तरह का अधिकारियों का जो मनोबल होना, जिस प्रकार यहाँ की जनता के लोगों को लोगों के साथ जो शोषण हुआ, यह आज तक हमको लगता है इतिहास में पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होगा जो झारखंड में हुआ। इसलिए मैं सभी लोगों से ये आह्वान करूंगा कि एनडीए गठबंधन, हम लोग पिछले लोकसभा में भी लड़े थे और पूरे जोश के साथ सभी हमारे कार्यकर्ता भाजपा आरसीपी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो एकजुटता दिखा था, जो ताकत दिखा था, इसमें हम लोगों को 1,08,000 वोट आया था डुबरी विधानसभा क्षेत्र से। और मैं आप लोगों से फिर से यही आह्वान करूंगा क्योंकि 5 साल में वोट हम लोगों का यहाँ पर लगभग 20,000 नया वोट जुड़ा भी है और सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगे और इस बार टारगेट ले कि हम लोग 1,11,000 से ज्यादा वोट लाएंगे, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता एक एक घर जाना होगा, एक एक लोगों के पास जाना होगा और जिस प्रकार डुमरी में जो जंगल राज 20 वर्षों में जो जंगल राज हुआ था, इस जंगल राज को संकल्प समाप्त करने का संकल्प ले और यहाँ पर जो व्यवस्था, इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने का हम लोग प्रयास करें और जो विकास का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास का काम हुआ है, 1,000 किलोमीटर सड़क जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग यहाँ पर हर एक गांव को जोड़ने का प्रयास किए, जिसको जिसका भी उपलब्धि हम लोगों का है और केंद्र की कई ऐसी योजना है जो हम लोग उजाला योजना है, हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह का कई योजना है, इन सारी योजनाओं को लेकर हम लोग जाएंगे और एनडीए के पक्ष में और यहाँ पर हम लोग चुनाव लड़े और साथ साथ यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा यह चुनाव परिणाम 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 का विधानसभा चुनाव यह परिणाम बताएगा और वर्तमान सरकार को जो यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर 20 साल से अपना घर मान रहा है, इसको हम लोग चुनौती पर लिए है और इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग संकल्प है और 2024 जो हम लोगों का सपना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का सरकार और यहाँ पर झारखंड राज्य में एनडीए का सरकार बने और हम लोगों का मुख्यमंत्री बने, ताकि क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था जो भ्रष्ट हुआ उसको हम सुचारू रूप से उपयोग कर सके। और जो लोग आज कांसर में भी है, आप लोग रोज अखबार में देखते हैं, रोज हत्या हो रहा, रोज लूट हो रहा, इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए पुनः एनडीए सरकार को हम लोग लाने का प्रयास करें और सभी कार्यकर्ता लगे, ताकि हम लोग राज्य की जनता को सुख शांति और चैन अमन चैन दे सके। इसी के साथ